सो वाई डू यू फेल टू रिक्रूट इंश्योरेंस एजेंट्स, या इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट करने में हम फेल क्यों हो जाते हैं? आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में ऐसे कुछ पांच रीजंस या पांच कारणों के बारे में जिसकी वजह से हम इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट करने में फेल हो जाते हैं, और ये भी बात करेंगे कि इन पांच कारणों को हम ओवरकम कैसे कर पाए। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो आइए हम बात करते हैं उन पांच रीजंस के बारे में, या उन पांच कारणों के बारे में जिनकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई लोग अक्सर एजेंट्स रिक्रूट करने में फेल हो जाते हैं। तो हमारा पहला रीजन है डिपेंडेंट ओनली ऑन रेफरेंसिंग। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जो रेफरेंसिंग टेक्निक से ही अपने टीम में इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट करते हैं। मेरा मतलब है ये ऐसे टाइप के लोग हैं जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, काका काकी, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, सबको अप्रोच कर लिया है। यहाँ तक तो ठीक है, उन्होंने उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी अप्रोच कर लिया है, उनका भी नेचुरल मार्केट पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। ऐसे सिचुएशन में होता यह है कि अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से कोई एक आपकी टीम में एज एजेंट ज्वाइन कर ले और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस सोर्स करे तो फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपके रिलेटिव्स में से कोई ऐसा एजेंट ज्वाइन कर ले जो काम करना बंद कर दे, तो ऐसे एजेंट को रिलेशनशिप की वजह से आप प्रेशराइज भी नहीं कर पाओगे। तो रेफरेंसिंग टेक्निक कई लोगों को ऐसे धर्म संकट में फंसा चुकी है, और अगर एक बार आप ऐसे धर्म संकट में फंस गए तो उससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे समय पर हम जो नसीहत या एडवाइस हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, वही एडवाइस हमें एप्लीकेबल हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि यू शुड हैव वैरायटी ऑफ फ्रूट्स इनटू योर बास्केट। अगर कोई अंगूर खट्टे भी निकल आए तो आप सेब या फिर कोई और फल खा सकते हो। या यू शुड नेवर कीप ऑल द एग्स इनटू वन बास्केट। उसी तरह से आप रेफरेंसिंग टेक्निक का ही सहारा ना लेते हुए किसी और टेक्निक को भी इस्तेमाल करना चाहिए इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। ऐसा करने से आपको पूरा मार्केट सैचुरेट हो गया है यार वाली फीलिंग कभी नहीं आएगी। सिमिलरली हमारा दूसरा जो रीज़न है डिपेंडेंट ओनली ऑन कोल्ड कॉलिंग। इसमें ऐसे कई सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स रिक्रूट करने के लिए सिर्फ कोल्ड कॉलिंग टेक्निक का सहारा लेते हैं। कोल्ड कॉलिंग टेक्निक ये अपने आप में काफ़ी मुश्किल और टफ टेक्निक है इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए 80% लोग इस टेक्निक को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, हार मान लेते हैं और अंत में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए कोल्ड कॉलिंग टेक्निक के साथ साथ आप किसी और टेक्निक का सहारा लेके भी अपने रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। इससे मेरा मतलब ये है कि आप एक ही रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी का सहारा ना लेते हुए मल्टीपल रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को अपनाते रहिए, जिससे आपका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव हो जाएगा एजेंट्स को रिक्रूट करने में। इसके साथ हमारा तीसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से कई लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, वो है डिपेंडेंट ऑन एजेंट्स नेचुरल मार्केट। ऐसे कई लोग हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो खुद के एग्जिस्टिंग एजेंट के नेचुरल मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं नए इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट करने के लिए। अब ऐसे सिचुएशन में होता यह है कि अगर आप ऐसे एजेंट के नेचुरल मार्केट पे डिपेंडेंट हो जो एजेंट खुद काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो या काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा हो, तो शायद उसके नेचुरल मार्केट से आपको कुछ अच्छे एजेंट्स मिल जाए। लेकिन अगर आप ऐसे एजेंट के नेचुरल मार्केट पे डिपेंडेंट हो जो खुद नया है इंडस्ट्री में, जिसने अभी तक अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया है और अच्छे पैसे नहीं कमाए हैं, तो ऐसे एजेंट के नेचुरल मार्केट में या उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ये सोचेंगे कि अगर इसने ही अभी तक अच्छे पैसे नहीं कमाए हैं या ये ही अच्छे पैसे नहीं कमा रहा है इस इंडस्ट्री से, तो मैं कैसे कमा पाऊँगा। इसलिए ऐसे एजेंट के नेचुरल मार्केट से इतने अच्छे एजेंट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। तो एग्जिस्टिंग एजेंट के नेचुरल मार्केट हमें लंबे समय तक काम नहीं आता है एजेंट्स को रिक्रूट करने में। और इसी के साथ हमारा चौथा जो रीज़न है वो है फ्रस्ट्रेटेड बाय बॉसेस प्रेशर। आई नो अब सब लोग यही सोच रहे होंगे ये तो सबसे बड़ा रीज़न है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सही है।
इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई लोग सिर्फ बॉस के प्रेशर की वजह से अपनी जॉब तक छोड़ देते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को हैंडल करना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना ये लगता है। कई लोग हमारे पास काफ़ी अलग अलग सवाल लेके आते हैं और कहते हैं कि हमारा बॉस हमारे साथ काफ़ी बुरी तरीके से बात करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो क्या बात कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए, वो कैसे बात कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। ये हमेशा याद रखिए कि आपके बॉस के जॉब प्रोफाइल में आता है कि आपसे वो बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करवाए। इस बात को आप जितना प्रोफेशनली समझने का ट्राई करोगे उतना ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होती जाएंगी। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं हमारे पांचवें रीज़न के बारे में, जो है अडॉप्टिंग रॉन्ग रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी। अभी तक हमने जितनी भी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात की है, अगर इन स्ट्रैटेजीज़ में से कोई भी स्ट्रैटेजी आज आप अपना रहे हो अपने टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए और इन स्ट्रैटेजीज से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण एक ही है, क्योंकि ये सारी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो वन टू वन रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे कोल्ड कॉलिंग या रेफरेंसिंग। अब होता ये है कि हर एक इंसान की एक फिज़िकल लिमिटेशन होती है, जैसे वो दिन में 5-10 या मैक्सिमम 20 लोगों को मिल सकता है एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन आज अगर आपको अच्छे एजेंट्स आपकी टीम में रिक्रूट करने हैं तो इतने लोगों को मिलना इनफ नहीं होता है। इसलिए आपको एक ऐसे रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाओ, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट कर पाओ। तो ये थे पांच रीजंस जिसकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई लोग एजेंट्स रिक्रूट करने में फेल हो जाते हैं, और इन सारे रीजंस का सोल्यूशन एक ही है कि हमें ऐसे एक प्रोडक्टिव मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स को रिक्रूट कर पाए। और ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को दो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों ट्रेनिंग मटेरियल को अगर आपको एक साथ डाउनलोड करना है तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक को डाउनलोड करते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2, इन दोनों ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ है ये सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ एक साथ मिल जाएंगी। इस ट्रेनिंग मटेरियल को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, आप अपने टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाते हो, उसके बारे में हमें नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।